चार का पूरा डाटा आपको दे दिया गया है। चार में पी और ए यूनियन बी आपको निकालना है, ठीक है। अच्छा हम बता दें कि इसको निकालने के लिए जो सूत्र आप यूज करेंगे, पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, अभी मैंने बताया था आपको हाँ कि इसके सूत्र मैंने इसके जगह पर आप इतना यूज कर सकते हैं। आपको पी ए मालूम है, यहाँ से निकल जाएगा, पी बी मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम है ये, और इसी को निकालने के लिए दिया है कि अगर ये मान आपको निकल जाएगा तो इसमें रख देंगे तो आ जाएगा। पहले तो देखो खूब अच्छे तरीके से, यहाँ पर देखो पी बी दिया है ना, तो पी बी का तो जितना दिया उतना लिख लोगे, 5/13, लेकिन यहाँ पर मुश्किल थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, 2 जन PA दिखा रहा है यहाँ पर, 2 PA बराबर 5/13 तो होगा, लेकिन ये 2 बटा में जाएगा, तो PA बराबर 5/13 × 2 तो 5 बटा का आ जाएगा, 26 हो जाएगा। समझे बात को, PB तो ठीक है, PB का तो भाई इतना, लेकिन ये 2 है ना, तो 2 बटा में जाएगा, 5/36 हो जाएगा, 26, ठीक है, 13 26 होगा। अब आपको क्या करना है, पहले इसके ये मान तो निकालना पड़ेगा ना आपको, तो ये सूत्र अभी आपने पढ़ा था, सूत्र कहाँ पढ़े थे आप याद करिए, ये निकालना है डायरेक्टली, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए बाई बी गुणे पी बी, ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ अरे वही बात होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो तुम ध्यान से कि तीसरा जी गुणा करोगे तो ये इसके साथ गुणा कर दो, इसके नीचे एक है, एक है तो इसके नीचे आ जाएगा ये वाला हिस्सा, इसके साथ ये वाला, ठीक है। देखो जो बी रहेगा बी यहाँ पर भी होना चाहिए, क्योंकि तो यहाँ पर ई था तो एफ था तो एफ लिखे ना, तो हमें ए बाई बी ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए बाई बी का ही मान दिया है आपके पास, अब इसमें मान रख दो। चलो तो ए बाई बी है, ए बाई बी का मान 2/5 है, 2/5 गुणे पी बी है, तो पी बी का मान 5/13 तो 5/13 लिख दीजिए, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो 2/13 आ जाएगा इसका। अब निकाल दो पी, एक और सूत्र यूज करो, अब ये निकालना भी है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब पी ए का मान तो आपको मौजूद है, पी आपके पास मालूम भी है, पी ए का मान है 5/26, देखो यहाँ से तो 5/26 रख लो, प्लस पी बी का मान है 5/13 तो 5/13 रख लो, माइनस इसके पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है 5/13, आगे बढ़ा देते हैं, पूरा का लसा ले लो तो 26 26 से भाग 26 में एक बार में जाएगा 5 रहेगा, प्लस 13 से भाग 26 में जाएगा एक बार, 2 बार में जाएगा, 13 दुना 26 होता है, तो ये 2 से गुणा करेंगे, हाँ ये 2/13 है क्या, किसका, ये वाला, चलिए 2/13, तो 10 हो जाएगा, 13 से भाग 26 में देंगे तो 5 दुना 10, फिर ये भी 2 बार में जाएगा तो 4 हो जाएगा, 13 से भाग 26 में 2 बार में 2 दुना 4, 10 बार 15, 15 में 4 जाएगा 11, तो 11/26 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया, कहीं दिक्कत, ये वाला कैसे आया पता चला है, ये 2 बटा है, तो ठीक है, पीपी का मान 5/13 ही रहेगा, लेकिन इसका जब निकालोगे तो 2 बटा में आ जाएगा, तब ये, तब ये निकालना है तो आपके पास ये जब निकालोगे तो इससे निकल जाएगा, और ये जब निकालना होगा तो आप इतना सूत्र यूज करेंगे, जब यहाँ पर यूनियन लिखते हैं तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हल होगा, तो इसको नोट कर लो।